मध्य प्रदेश के इंदौर में सोमवार को बिना बैंड बाजे के एक अनोखी बारात निकली। दुल्हा शेरवानी में दौड़ता हुआ दिखा और उनके पीछे 50 से ज्यादा बाराती भी ऐसा ही कर रहे थे। ये बारात गणेश नगर में रहने वाले फिजिकल ट्रेनर नीरज मालवी की थी। उन्होंने शहर के मालवी दशहरा मैदान से संगम नगर तक 11 किलोमीटर की दौड़ लगाई। नीरज बताते हैं कि मैंने शादी में कुछ अलग करने का विचार बनाया था। शुरू में परिवार के कुछ सदस्यों ने विरोध भी किया, लेकिन जब उन्होंने मेरी मंशा जानी तो वे मेरे इस फैसले के साथ हो गए। हालांकि घर से बारात घोड़ी पर ही बैठकर निकली। जैसे ही हम पास की सड़क पर पहुंचे, हमने दौड़ लगाना शुरू कर दिया। 18 से 70 साल के सभी उम्र के लोग बारात में थे। सभी ने स्वेच्छा से साथ दिया, किसी ने आपत्ति नहीं जताई। इस बारात का ड्रेस कोड हमने पीली टी शर्ट रखा। वहीं दुल्हन निकिता बिल्लोरे भी अपने पति के इस सरप्राइज से काफी खुश नजर आई। हाँ, ये बहुत अच्छी पहल है पर्यावरण के लिए और हम उसका स्वागत करते हैं। स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है उसके लिए भी बहुत अहम चीज़ है ये, और हम सबको ये इसमें सहयोग करना चाहिए। जो दूल्हा था उसने कभी आपसे डिस्कस कराया था कि मैं बारात लेके आपके? हाँ हाँ, किया था, ये बात बताई थी कि मैं दौड़ते हुए बारात लेकर आपके आऊँगा। तो सामाजिक जो अपनी संस्कृति है उसमें दूल्हा आता है घोड़े पे बैठ के, लेकिन ये दौड़ कर आ रहे हैं तो कुछ अजीबोगरीब नहीं लगा आपको पहले? नहीं, अजीबोगरीब तो है, पर ये पर्यावरण के लिए और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, उसका हम स्वागत करते हैं। आपका नाम बताइए? रमेश चंद बिल्लोरे। हाँ, एक्चुअली ये मेरा यंगर ब्रदर है। हमें इसका प्रस्ताव लगा, इसने बहुत टाइम पहले मुझे बताया था कि जब भी मेरी शादी होगी मैं रनिंग करवाते हुए ले जाऊँ। बहुत टाइम से इंदौर में कोचिंग दे रहा है फिजिकल ट्रेनिंग की। दशहरा मैदान पर ये फ्री कोचिंग चलाते हैं। ये सब जो भी हैं एजेड लोग, जितने भी येलो टी शर्ट में आपको दिख रहे हैं, इनके स्टूडेंट्स हैं ये लोग। जैसे इसका लगा हमें कि हाँ यार, बहुत अच्छा वो है, ये इसका एक माइंड में इसके कुछ भी नई चीज़ आई कि हाँ करना चाहिए इसको। सब लोगों ने मना करने का किसी के मन में ख्याल नहीं आया, वो चीज़ सब ने हाँ ही की। इसके साथ साथ हम पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दे रहे हैं, प्लास्टिक मुक्त वही हमें इंदौर करना है। इंदौर हो ही रहा है, आप लोग जानते हैं, उसके लिए भी अभी बहुत सारे, हमारी शादी में 16 तारीख से प्रोग्राम चल रहा है, पूरा प्लास्टिक मुक्त है। कुछ भी चीज़ नहीं हमारे पास प्लास्टिक की, पूरा स्टील का बर्तन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। प्लास्टिक की कोई चीज़ डिस्पोजल तक भी नहीं लिया। नीलेश चौहान। तो ये हम दौड़ते हुए बारात लेके जा रहा हूँ। ख्वाहिश थी बचपन से कुछ शादी में डिफरेंट करूँ, और चूँकि मैं फिजिकल ट्रेनर हूँ तो लोगों को फिटनेस के प्रति अवेयरनेस के लिए मोटिवेट करना चाहता हूँ। आजकल की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई कि हम लोग वर्कआउट पे ध्यान नहीं देते, किसी भी फिजिकल एक्टिविटी पे फोकस ही नहीं कर रहे हम लोग। लोग बहाने बताते हैं, आज शादी में जाना था, आज वहाँ जाना था, आज वो फंक्शन था, आज ऑफिस वर्किंग ज़्यादा था, पर इन सब के बाद भी हम खुद के लिए टाइम निकाल सकते हैं। मैं यही दिखाने के लिए खुद की शादी में रन करते हुए जा रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, INC Art, इंडिया न्यूज़, इंदौर।